अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस जमाने में हजरत जी मेरे ख्याल में हम सबके लिए, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए, तो एक एनर्जी का एक वो फॉर्म है, एनर्जी का एक कैनुला है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी नॉलेज, इतनी हमें एनर्जी मिलती है हजरत जी को देख के और इस माहौल में। तो अल्लाह हजरत जी को अपनी हिफाजत में रखें और हजरत जी की उम्र में, काम में, हर चीज में बहुत ज्यादा बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुबहमीन। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरे माइंड में एक अश्काल है छोटा सा, वो ये कि जिस तरह किसी को वायरस हो रहा है तो क्या ये हमारे, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह न करे मुझे किसी को होता है तो ये क्या मेरे अपने आमाल की वजह से मुझ पर हो रहा है? क्योंकि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इज्तमाई उम्मत पे तो कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन किसी पर्सन टू पर्सन चीजें आ सकती हैं, तो क्या ये मेरे अपना पर्सनल आमाल है या मेरा पर्सनल कोई गुनाह है जिसकी वजह से मुझे ये हुआ है, इस तरह की चीज होगी? तो अगर ऐसा है तो फिर इसमें वो, फिर जैसे हजीर ने बताया था कि वो शहीद होगा, तो क्या वो आया है शहीद भी होगा या वो शहीद नहीं सिर्फ एक नॉर्मल डेथ ही होगी कंसिडर की जाएगी? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि नजर जी माशाल्लाह वो एक अंगूठी पहनते हैं स्पेशल, तो वो किस चीज की? क्योंकि वो मेरे शेख हैं तो मैं उनको इसमें भी फॉलो करना चाहता हूँ इसका। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जिस अंदाज से आपने इजहार मोहब्बत किया है हमारे लिए भी बहुत ही जो है वो हौसले की बात है, और हम जो अल्लाह तबारक व तआला से अजर के जो है वो उम्मीदवार बनते हैं। हमारे इल्म और इरफान से आप हजरात को फ़ायदा पहुंच रहा है, ज़ाहिर मेरे बुजुर्गों की जूतियों का सदका है जो आगे आप हजरात तक पहुँचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल मंजूर फरमाए। बाकी जो आपने सवाल किया उस हवाले से पहले एक हदीस सुनाता हूँ। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कौमों पे अज़ाब आता है और अल्लाह तबारक व तआला उन कौमों को मलिया मेट कर देते हैं, तो उनके अंदर बाज़ नेक और अच्छे लोग भी तो होते हैं, तो लेकिन नेक और अच्छे लोग भी उसके अंदर मारे जाते हैं, हालांकि वो गुनाह तो दूसरे काफरों फासकों का था, नेक लोग बीच में जो है वो जो क्यों मारे गए, अब उनका क्या बनेगा? तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की सुन्नत यह है कि जब किसी कौम पे इज्तिमाई अजाब दिया जाता है वो सारी की सारी कौम को, मुल्क को हलाक किया जाता है, बाकी जो नेक हैं वो भी हलाक कर दिए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता आखरत के अंदर वो अपनी नीयत पर उठेंगे, मतलब अहले ईमान हैं, अल्लाह के ताबेदार फरमा बरदार हैं, तो वो फरमा बरदारी पर उठेंगे और आखरत में अल्लाह तबारक व ताला उनको अपनी नेमतों से नवाजेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब दुनिया के अंदर इस तरह के जब वो आलमगीर अजाब की शक्ल बनती है जैसे कोरोना वायरस की, तो आलमगीर अजाब जब आता है तो उसमें नेक बद जो सभी पकड़े जाते हैं। अब उसमें अगर कोई नेक पकड़ा गया तो हदीस की रूह से ही पता चला कि वो जो है वो नेक जो है शहादत के मुकाम पे फायज होगा और वह अल्लाह तबारक व ताला की अपनी नीयत के अतबार से उठेगा, क्योंकि नेकी की नीयत पर कायम है और नेकी इख्तियार किए हुए है, लिहाजा वो शहीद हो जाएगा। और जो दूसरे जो बद हैं वो बदी की नीयत पर चूँकि कायम है और लिहाजा वो अल्लाह तबारक व ताला के अजाब के अंदर मुबतला हो गए, वो उनको अल्लाह ने पकड़ लिया। तो गोया कि जो अहले कुफर होते हैं नाफरमान, उनके लिए ये सारे अहवाल जो तहजीब के तौर पर होते हैं अजाब होते हैं, और मोमिन कामिल नेक आदमी के लिए ततहीर के तौर पे होते हैं। अगर वो खुद उसके गुनाह की वजह से पकड़ हुई तो उसकी ततहीर हो रही है, यानी उसको पाक कर दिया, गुनाहों से पाक करके शहादत का मुकाम दे दिया। और अगर पहले से नेक है फिर उसको ये खुदा न खासा कोरोना वायरस की बीमारी लगी और मारा गया, तो फिर यह है कि वो मजीद बुलंदिया दर्जात का जरिया के ततहीर की जरूरत ही नहीं है, इसको मजीद तदरीज दर्जात की जरूरत है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके मजीद दर्जात बढ़ा के शहादत का और आला मुकाम उसको अता कर देते हैं। तो ये वो तरतीब है अल्लाह तबारक व ताला की। दुनिया में अगर किसी मुसलमान को होता है तो पहले वो ये सोचे कि मेरे कोई गुनाह हैं या नहीं, हो सकता है गुनाहों की वजह से पकड़ा है तो फिर ततहीर का जरिया बनेगा, अगर गुनाह नहीं है तो इंशाल्लाह फिर वो बुलंदिया दर्जात का जरिया होगा और आला दर्जे की शहादत उसको नसीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।